तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद दीवाना हुआ बादल सावन की घटा। मोहम्मद रफी के गानों ने दिलों के बीच की दूरियों को पाटा है। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी। रफी साहब के इन गानों ने झगड़े मिटाए हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफी के एक गीत को लेकर टॉप के निर्माता और दिग्गज संगीतकार के बीच झगड़ा हो गया था। इस झगड़े की परिणति मुकदमे के रूप में हुई थी और उस समय के मशहूर संगीतकार को अदालत में जाना पड़ा था और केस लड़ना पड़ा था। आखिर कौन सा है वह गीत और उस गीत को लेकर क्यों मुकदमेबाजी की नौबत आ गई? फिर उस मुकदमे का हल कैसे निकला? क्या है उस गाने के बनने और उस गाने को लेकर मुकदमेबाजी की पूरी कहानी? इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस नगमे के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ वह मनोज कुमार, आशा पारेख और प्राण की भूमिकाओं से सजी फिल्म दो बदन का है। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन राज खोसला ने किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल। इस फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे रवि। इस फिल्म में तीन गाने रफी साहब के थे, एक गीत लता मंगेशकर का था और दो गीत आशा भोसले के। इस फिल्म के सारे गीत काफी लोकप्रिय हुए। रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क। मोहम्मद रफी के गाए तीनों गीतों ने आम लोगों की आह और कराक को आवाज दी और इस कारण वे गीत सभी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कार। लेकिन फिल्म दो बदन के एक गाने को सुनकर प्रसिद्ध निर्माता रामानंद सागर चौंक गए। उनको हैरानी हुई कि गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार रवि ऐसा कैसे कर सकते हैं। रामानंद सागर ने संगीतकार रवि और गीतकार शकील बदायूनी से मिलकर कहा कि आपने दो बदन फिल्म के लिए जो एक गीत बनाया है वह तो मेरी फिल्म का है। सितारा रहा गर्देशों में हर दम। रामानंद सागर ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि आप लोगों ने मेरी फिल्म के गीत का इस्तेमाल दो बदन फिल्म में कैसे कर लिया। इसके बाद रवि और शकील बदायूनी ने इस बारे में दो बदन के निर्देशक राज खोसला से चर्चा की। उन्होंने राज खोसला को सारी बात बताई। रवि साहब ने राज खोसला से कहा कि रामानंद सागर का दावा सही है। असल में संगीतकार रवि ने रामानंद सागर की फिल्म घूंघट के लिए एक गीत मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड कराया था, लेकिन बाद में फिल्म की सिचुएशन बदलने के कारण उस गीत को फिल्म में नहीं लिया गया। फिल्म घूंघट के संगीतकार रवि थे और शकील बदायूनी साहब उस फिल्म के गीतकार थे। संगीतकार रवि का कहना था कि उस समय हमने फिल्म घूंघट के लिए ये गीत तैयार किया था और इस कारण इस गीत पर कॉपीराइट मेरा बनता है। संगीतकार रवि इस बात पर अड़ गए कि ये गीत वापस रामानंद सागर को नहीं देंगे और इस गीत का इस्तेमाल फिल्म दो बदन में होगा। असल में फिल्म घूंघट के लिए जिस गीत को मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया था, बाद में उसी गीत को फिल्म दो बदन के लिए मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया। पेश है उस गाने की झलक। रहा गए देशों में हर दम मेरे इश्क का। जब संगीतकार रवि और शकील बदायूनी ने रामानंद सागर की बात नहीं मानी, तब रामानंद सागर ने उन पर केस कर दिया। बात अदालत तक पहुंच गई। फिल्म दो बदन के इस गीत को लेकर कॉपीराइट का केस चला। रामानंद सागर ने गीत लिखने से लेकर इसके लिए संगीत बनाने तक और फिर इसके रिकॉर्डिंग होने तक के सारे सबूत अदालत में पेश कर दिए और अदालत को समझाने में सफल हो गए कि दो बदन में उपयोग किया गया ये गीत उनकी फिल्म घूंघट का ही है।
रवि और शकील बदायूनी के तर्क को अदालत ने नहीं माना और फैसला रामानंद सागर के पक्ष में हुआ। इसके बाद राज खोसला ने रामानंद सागर साहब से माफी मांग ली। शकील बदायूनी और रवि को भी इससे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब राज खोसला ने रामानंद सागर साहब से इस गाने को खरीदना चाहा, लेकिन रामानंद सागर ने इस गाने को बेचने से मना कर दिया। बाद में रामानंद सागर ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस गीत को तोहफे के तौर पर फिल्म दो बदन के लिए दे दिया और शकील बदायूनी और रवि को भी माफ कर दिया। यही नहीं, उनकी फिल्म दो बदन के सफल होने की दुआएं भी थी। इस तरह से फिल्म दो बदन में मोहम्मद रफी के गाए उस गीत को रखा गया और इस गाने ने खूब लोकप्रियता हासिल की। उसी के हो गए हम, जो न हो सका हम। रामानंद की दुआ और असर था या गीतों का असर। फिल्म दो बदन रिलीज होकर जबरदस्त कामयाब हुई। इस फिल्म के सभी गीतों ने धूम मचाई। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में। बाद में फिल्म दो बदन के सिल्वर जुबली होने पर जश्न मनाया गया। इस जश्न में रामानंद सागर की मुलाकात शकील बदायूनी, रवि और राज खोसला से हुई और रामानंद सागर ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि 1960 में बनी फिल्म घूंघट के लिए इस गाने को मुकेश जी ने गाया था, लेकिन फिल्म में इसकी जरूरत नहीं होने पर इसे फिल्म में नहीं रखा गया। इस गाने के बारे में संगीतकार रवि जी ने एक रेडियो प्रोग्राम में बताया कि आपने मेरी फिल्म दो बदन के गाने तो सुने होंगे, इस फिल्म में एक गजल है, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, इसे शकील साहब ने लिखी थी। लेकिन ये बात आपको मालूम नहीं है कि ये गजल हमने कई साल पहले फिल्म घूंघट के लिए बनाई थी, जो हमने मुकेश साहब से गवाई थी और रिकॉर्ड की थी। फिल्म घूंघट में ये गाना नहीं रखा गया क्योंकि ये सिचुएशन में फिट नहीं बैठ रहा था। रवि जी ने आगे बताया कि फिल्म दो बदन में एक सैड सॉन्ग की जरूरत थी, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि बहुत अच्छी गजल शकील साहब की ही लिखी हुई है, फिल्म घूंघट में नहीं रखी गई, हम उस गजल को फिल्म दो बदन में रख सकते हैं। जब ये गीत फिल्म के लीड एक्टर मनोज कुमार को सुनाया गया तब उनको भी ये गीत बेहद पसंद आया। उन्होंने भी मुकेश साहब के गाए उस गीत को फिल्म दो बदन में रखने को कहा। फिल्म में इस गीत के अनुरूप सिचुएशन थे इसलिए गीत फिल्म में रखने का फैसला किया गया, लेकिन इस फिल्म में मनोज कुमार के लिए मोहम्मद रफी साहब गा रहे थे। ऐसे में केवल एक गीत को मुकेश साहब की आवाज में रखना सही नहीं समझा गया, इसलिए मुकेश साहब द्वारा गाए गए उस गीत की धुन और रेंज में बदलाव करके इसे रफी साहब की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड कराया गया और फिल्म में रखा गया। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का। रफी साहब ने अपनी आवाज से इस गाने को अमर कर दिया। इस गाने के भाव के साथ संगीत की गहराई और रफी साहब की आवाज में छिपे दर्द के कारण ये गीत संभवतः हर संगीत प्रेमी का बेहद अजीज नगमा है, जिसे आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ये गीत हर प्रेमी के हृदय में उतर जाता है। हालांकि गाने में दर्द उड़ेलने के मामले में मुकेश जी का भी कोई जवाब नहीं था। ये तय था कि मुकेश जी ने फिल्म घूंघट के लिए गाए उस गीत में भी खूब दर्द उड़ेला होगा, लेकिन मुकेश जी की आवाज में वह गीत उपलब्ध नहीं है। अगर मुकेश जी की वो दर्द भरी आवाज वाला गाना मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दो बदन फिल्म का कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है, इस गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। दोस्तों, आपने अगर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी और दुर्लभ जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।